Assalamu alaikum, my dear students and my viewers. I welcome you to my channel, Learn English with Faisal Hamid. If you have not subscribed this channel yet, please do it now, but after watching this video. And today's video is about seven C's of communication. And in seven C's of communication, we are going to talk about concreteness. Or jaisa ki aap jante hain ki hum jo hain ye seven C's jo hain wo Urdu mein samajhne ki koshish kar rahe hain taki hamara audience jo hai wo aasani se samajh sake. तो पहले अगर हम देखें तो हमने पहले तीन सीज की बात की है. हमने कंप्लीटनेस की बात की, हमने कंसाइजनेस की बात की, हमने कंसिडरेशन की बात की, और अब हम बात करने जा रहे हैं कॉन्क्रीटनेस की. और आप जैसा कि जानते हैं कि ये सेवन सीज है क्या, ये बेसिकली डिफरेंट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं जो कि हम यूज करते हैं अपने मैसेज को अफेक्टिव बनाने के लिए. तो आइए हम देखते हैं कि कॉन्क्रीटनेस है क्या. हमेशा याद रखिए कि देखें कॉन्क्रीटनेस जो है अगर आप यहाँ पर देखें तो ये भी एन ई डबल एस पर ही खत्म हो रहा है. और हमने बात की थी कि जो एन ई डबल एस पे ज्यादातर वर्ड्स शुरू होते खत्म होते हैं वो नाउन्स होते हैं. और नाउन्स जो हैं आप देखें ये जो कॉन्क्रीटनेस है ये कोई क्वालिटी है और ये वर्ड निकला है कॉन्क्रीट से. कॉन्क्रीट का मतलब होता है समथिंग दैट इज सॉलिड, समथिंग दैट यू कैन सी, समथिंग दैट यू कैन टच. तो यहां पर कॉन्क्रीट से मतलब कुछ और है, मिलता जुलता है, लेकिन यहां पर कॉन्क्रीट का मतलब यह है कि ऐसा मैसेज जो कि स्पेसिफिक हो, जो कि डेफिनेट हो, जो कि विविड हो, और ऐसा मैसेज जो कि वेग ना हो, जो जनरल ना हो, ऐसे मैसेज को हम क्या कहेंगे, कॉन्क्रीट. इसी तरह ऐसा मैसेज जो डेनोटेटिव हो, डायरेक्ट हो, एक्सप्लिसिट हो, या डिक्शनरी बेस्ड वर्ड्स को यूज करके बनाया गया हो, तो उस मैसेज को भी हम कॉन्क्रीट कहेंगे. और ऐसा मैसेज जो कि कॉनोटेटिव ना हो उसको भी हम कॉन्क्रीट मैसेज कहेंगे. तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा मैसेज जिसके अंदर हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दें, हम डेनोटेटिव इंफॉर्मेशन दें, वो हमारा मैसेज जो है कॉन्क्रीट होता है. और उसके ऑपोजिट अगर हम जनरल इंफॉर्मेशन देते हैं या कॉनोटेटिव इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं या कॉनोटेटिव वर्ड्स यूज कर रहे हैं, कॉनोटेशन मौजूद है हमारे मैसेज के अंदर, तो उस मैसेज को हम फिर कॉन्क्रीट नहीं कहेंगे. तो अगर हम सिंपली कह लें कि क्रिएटिंग अ स्पेसिफिक एंड डेनोटेटिव मैसेज rather than a general or connotative message is called concreteness. अब हमें ये समझना पड़ेगा कि specific और general क्या है. Specific का मतलब है कि to the point specify कर दें आप किसी चीज को, और general है कि आप उसको overall एक बात कर रहे होते हैं. और इसको मजीद आगे हम समझेंगे कि इसका क्या मतलब है. और इसके बाद अगर हम देखें denotative और connotative, तो denotative ऐसा वर्ड होता है या ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो डिक्शनरी बेस्ड होगी, जो एक्सप्लिसिट होगी, मतलब कि जो आप बात कह रहे हैं उसका एग्जैक्ट वही मतलब होगा, एक वर्ड का एक ही मतलब होगा. कॉनोटेटिव क्या होता है, कॉनोटेटिव निकला है कॉनोटेशन से. कॉनोटेशन क्या है कि कॉनोटेटिव वर्ड उस वर्ड को हम कहते हैं कि जो एक से ज्यादा मीनिंग दे. जैसे मिसाल के तौर पर चीप का वर्ड है, तो चीप का वर्ड जो है वो इनएक्सपेंसिव का मतलब भी देगा, चीप का वर्ड जो है वो आपको सब स्टैंडर्ड का मतलब भी देगा. तो ये जो वर्ड है चीप, ये हमारे लिए कॉनोटेटिव वर्ड है, क्योंकि एक ही वर्ड जो है वो एक से ज्यादा मतलब दे रहा है, एक से ज्यादा सेंसेस दे रहा है. अगर इसकी बजाय अगर हम इनएक्सपेंसिव का वर्ड यूज करें तो वो हमारे लिए डेनोटेटिव है, क्योंकि इनएक्सपेंसिव का मतलब एक ही है. ठीक है, तो इसलिए कॉनोटेटिव वर्ड्स को यूज करना जो है सरासर अपने आप को एक मुश्किल में डालना है, अपने ऑडियंस को मुश्किल में डालना है. अब हम देखते हैं कि आपकी जो कॉन्क्रीटनेस है, जो आपका मैसेज जब कॉन्क्रीट होगा तो वो हमें क्या फायदा देने जा रहा है. द बेनिफिट्स टू business professionals of using concrete facts and figures are obvious.
योर रिसीवर्स नो एग्जैक्टली व्हाट इज रिक्वायर्ड और डिजायर्ड. जब आप एक कॉन्क्रीट, आप कहते हैं यार मुझे 12 अंडे चाहिए, तो दुकानदार को पता है कि यार इसको कितनी चीज चाहिए. आप कहते हैं यार मुझे अंडे चाहिए, अब दुकानदार आपसे क्या पूछेगा, भाई कितने अंडे चाहिए, राइट? तो उसने जब एक सवाल पूछा आपसे कितने अंडे चाहिए, तो आप जवाब कहेंगे अच्छा भाई 6, 12, राइट? तो आपने क्या किया, प्रोफेशनल जो होता है वो एक वर्ड को भी इजाफा लेके जाने पर जो है ना वो अपने आप पे क्वेश्चन करेगा कि यार मैंने एक जुमला जो है एक क्वेश्चन क्यों मैंने रीजन बना एक क्वेश्चन को करने का. तो इसलिए जो है आपको क्या करना होता है, जब आप कॉन्क्रीट मैसेज करते हैं तो आपका रिसीवर को आपको को एग्जैक्ट पता होता है कि आपकी क्या डिजायर है, आप क्या चाहते हो, तो इसलिए आपकी रिक्वायरमेंट एग्जैक्ट उसको पता होगी और वो आपको फौरन से रिस्पॉन्ड करेगा, वो कंफ्यूज नहीं होगा. तो उसका एक और एडवांटेज ये है कि व्हेन यू सप्लाई स्पेसिफिक्स फॉर द रीडर और लिसनर यू इंक्रीज द लाइक्लीहुड दैट योर मैसेज विल बी इंटरप्रेटेड द वे यू इंटेंडेड. दूसरा फायदा ये है कि जब आप कॉन्क्रीट मैसेज करते हो, स्पेसिफिक बात करते हो, तो इससे आपके चांसेस ज्यादा होते हैं कि जो आपका ऑडियंस है, जो आपका रिसीवर है, वो उसी तरह से आपके मैसेज को समझने के उसके चांसेस ज्यादा होंगे जैसा कि आप उसको समझाना चाह रहे हो. ये जरूरी नहीं होता कि आपने एक बात कह दी और आपका ऑडियंस वो बात समझ जाएगा, ऐसा नहीं होता. अक्सर ऐसा हो जाता है कि आप बात कुछ और करना जा रहे होते हो, कोई और बात समझाना कहना जा रहे होते हो, लेकिन आपका रिसीवर, आपका ऑडियंस उसको कुछ और समझता है. तो इसलिए जब आप अपना मैसेज कॉन्क्रीट करते हो तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका इंटेंडेड मीनिंग ही समझा जाएगा. तो और इसी तरह कॉन्क्रीट मैसेज जो होता है वो ज्यादा डायनेमिक और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है. तो ये तीन बेनिफिट जो हैं हमने यहाँ पे इनका जिक्र किया. और अब हम देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है, जो आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच से रिलेटेड है, और वो है कि हाउ कैन वी मेक अ कॉन्क्रीट मैसेज. जी कैसे करेंगे, हमने ये देख लिया है क्या, फायदा क्या देगी, लेकिन भाई अब हम करेंगे क्या, अब आपको अमल करना है. तो आइए देखते हैं कि हमें करना क्या पड़ेगा. सबसे पहला जो फार्मूला है आपने जहन में रखना है कि भाई आपने स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स देने हैं, ठीक है? हमने कहा था कि बी स्पेसिफिक एंड डोंट गिव जनरल इंफॉर्मेशन. मैं कहता हूं मिसाल के तौर पर, मैं कहता हूं कि वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में बेशुमार मासूम लोगों की जाने गई हैं. अब ये बेशुमार, मैनी, न्यूमरस, ये अब जनरल बात हो रही है, ये वेग फिगर है. लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि 40,000 इनोसेंट पीपल हैव सैक्रिफाइज्ड देयर लाइव्स इन द वॉर अगेंस्ट टेररिज्म इन पाकिस्तान, तो अब मेरी बात स्पेसिफिक होगी, अब मेरी बात कॉन्क्रीट होगी. अब यहां पर अगर आप एग्जाम्पल देखें तो पहले मैंने वेग और जनरल बात की है. सेंटेंस है शी इज इंटेलिजेंट. शी इज इंटेलिजेंट एक जनरल सी बात है, भाई किस बेस पर आप कह रहे हो? अब आप स्पेसिफिक होते हैं, आप कहते हैं शी ऑलवेज गेट्स 4/4 GPA, सो शी इज इंटेलिजेंट. यहां पर आपका गेट्स आएगा, यहां पर हम एस जो है एरर आ गया हमारा टाइपिंग का. तो याद रखिये शी ऑलवेज गेट्स 4/4 GPA, so she is intelligent. तो आपने जब कहा कि वो 4 में से 4 GPA हमेशा लेती है, तो इसलिए वो intelligent है. तो इस बात ने, इस specific information ने आपकी बात को concrete कर दिया. अब आप दूसरा जुमला देखिए, vague और general आपके पास example है. Many students missed their class yesterday. अब many का word जो है वो general बात कर रहा है. Many मेरे लिए हो सकता है 5 हो, आपके लिए हो सकता है 50 हो, मेरे तीसरे दोस्त के लिए 100 हो, किसी दूसरे शख्स के लिए 500 हो, किसी के लिए 1000 हो. तो ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स है, टर्म है, जनरल टर्म है. तो जब हम मैनी स्टूडेंट्स मिस देयर क्लास यस्टरडे है, तो हम स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे, हमारा मैसेज स्पेसिफिक नहीं होगा. अब हम कहते हैं 25 स्टूडेंट्स मिस देयर क्लास यस्टरडे, तो अब हमने एग्जैक्ट नंबर दिया कि भाई कितने बच्चों ने कल की क्लास को मिस किया.
इसी तरह हम जब आप टेक्निकल राइटिंग में आते हैं, जब आप रिपोर्ट लिखेंगे, जब आप प्रपोजल बनाएंगे, जब आप कोई लेटर लिखेंगे, तो वहां पर जनरल बात नहीं होगी, वहां पर आपको स्पेसिफिक होना पड़ता है। 99% केसेस में आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। तो अब आगे हम चलते हैं, समझ आ गई होगी आपको कि स्पेसिफिक फिगर्स एंड फैक्ट्स हमने कैसे देने हैं। अब इसी तरह वेग वर्ड्स देखें, अपनी राइटिंग के अंदर ऐसे वर्ड्स कभी मत यूज कीजिए जो आपको एग्जैक्ट बात ना बता रहे हो, जैसे स्लाइटली, स्मॉल, मोस्ट, लिटिल, अर्ली, सेवरल, मैनी। तो ये इस तरह के वर्ड्स हैं कि जो कि आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहे होते, तो इस तरह के वेग वर्ड्स को अवॉइड करें यूज करने से। आगे चलते हैं, तो अब हम देखते हैं कि आप देखें, ये लैंग्वेज जो है वो बड़ी मजे की चीज है, और आप जहां रूल्स बनाते हैं वहां पर फिर आप रूल्स को तोड़ते भी हैं। ये मैथमेटिक्स नहीं है कि जहां पे हर जगह पे आप कहेंगे कि 2 + 2 = 4, ऑलवेज 4। यहां पर क्या मसला है कि भाई सर्टन जगहों पर आपका रूल अप्लाई नहीं होता, तो जहां पे हम रूल अप्लाई नहीं होता वहां पर हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन। हम कहते हैं जी बाकी तमाम जगहों पर तो ये रूल अप्लाई होता है, लेकिन यहां पर जो है एक्सेप्शन है। तो इस रूल के लिए हमारे पास तीन एक्सेप्शंस हैं, तीन ऐसे केसेस हैं, तीन ऐसी सिचुएशंस हैं, तीन ऐसी कंडीशंस हैं, तीन ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर आपके लिए स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स देना जो है वो मुश्किल भी है और शायद पॉसिबल भी नहीं। आइए देखते हैं वो कौन सी तीन रीजंस हैं। नंबर वन, व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स। देखें बहुत सी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहां पर आपको एग्जैक्ट फिगर्स देना जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। अभी देखें डेंगी की आमद आमद है, तो हम ये तो बता सकते हैं कि इस्लामाबाद या रावलपिंडी में डेंगी के पेशेंट्स कितने हैं, लेकिन हम हमारे लिए ये बताना कि डेंगी मॉस्किटोज की तादाद क्या है रावलपिंडी में या इस्लामाबाद में, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो हम ये नहीं बता सकते कि यार कितनी तादाद है मच्छरों की या मॉस्किटोज की। तो यहां पर हम एक जनरल वर्ड ही यूज करेंगे, यहाँ पे हम एग्जैक्ट फिगर दे भी नहीं सकते। अब दूसरी बात देखिए, वेन यू वॉन्ट टू बी मोर कंसिडरेट, डिप्लोमेटिक होना चाहते हैं आप, डिप्लोमेसी जो है वो आप यूज करना चाहते हैं, आप अपने रिसीवर को, अपने ऑडियंस को नाराज नहीं करना चाहते, तो वहां पर आप क्या करते हैं, आप जनरल बात करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आप के उस्ताद हैं, आप बड़ा उनका एहतराम करते हैं और आपने उनको दो तीन दफा इनवाइट किया खाने पे, और वो जो है नहीं आए आपके खाने पे, तो बजाय इसके कि आप कहें कि सर यू हैव रिफ्यूज माय 3 इनविटेशंस, तो ये बुरा लगेगा। ठीक है, तो आपके लिए बेहतर है कि बजाय 3 इनविटेशंस को बीच में से हटा दिया जाए और आप कहेंगे जी माय सेवरल इनविटेशंस हैव बीन डिक्लाइंड, तो वो ज्यादा बेहतर है, तो आप जनरल बात करेंगे। इसी तरह आप देखें जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो हम वहां पर भी जो है इसी तरह बात करते हैं। जैसे आप देखें अगर हम जो है आपको ये अक्सर नजर आएगा कि हम जनरल बात वहां पे करते हैं ताकि उससे क्या होता है कि मोराल ना डाउन हो। अगर आपके सोल्जर्स बहुत बड़ी तादाद में अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर गए हैं, तो अगर आप ये बताते हैं कि ओके जी 35 सोल्जर्स सेक्रीफाइस लाइव्स और एक्सेप्टेड मार्टिरडम, तो आपका जो यूनिट होगा या फौज होगी उसमें क्या होगा, उसमें मोराल डाउन होगा कि यार हमारे इकट्ठे ही 35 फौजी जो हैं वो शहीद हो गए। तो इसलिए फिर आप क्या करते हैं, आप कहेंगे अवाम में एक बेचैनी सी पैदा होगी, तो आप कहेंगे जी बहुत से जो है सोल्जर्स जो है हमारे उन्होंने शहादत जामे शहादत नोश किया, या हमारे कुछ फौजियों ने शामे जामे शहादत नोश किया। तो ऐसी जगहों पर आपको कंसिडरेट होना पड़ता है, वहां पर आप एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स को मेंशन नहीं करते, ऐसी जगह जहां पे आपका मोराल डाउन होने की, आपकी नेशन के मोराल डाउन होने के चांसेस हो, वहां पर आप इस तरह की बात कर जाते हैं। या आप रिस्पेक्ट में, ऑनर में,
किसी का आप दिल नहीं दुखाना चाह रहे, आप किसी को रिस्पेक्ट देना चाह रहे हैं, तो वहां पर भी आप ये बात कर सकते हैं। उसके बाद देखें, व्हेन एग्जैक्ट फिगर्स फैक्शन फिगर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, आप देखें नेशनल असेंबली का इजलास होता है, कल भी नेशनल असेंबली का इजलास हुआ, शोर शराबा हुआ, वहां पर बात हुई कि जी कोरम जो है, कोरम का इशू पे अक्सर बात होती है, तो हम लोग भी सुनते हैं कोरम कोरम। अच्छा जी कोरम होता क्या है? कोरम जी मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स रिक्वायर्ड टू कंडक्ट अ मीटिंग होता है, लेकिन हम में से 99.9% लोग ऐसे होंगे कि जिनको एग्जैक्ट फिगर नहीं पता होगी कि नेशनल असेंबली में एग्जैक्ट कोरम क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स की जो है हमें कितनी रिक्वायर होती है कि कितने लोग हों नेशनल असेंबली में, कितने एमएनएज हों, तो हम उस सेशन को कंडक्ट कर सकते हैं। कोई भी नहीं जानता, इसलिए कि वहां पे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती नंबर, वो वर्ड कोरम का वर्ड ही काफी है, आपको समझ आ जाती है अच्छा यार एक मखसूस तादाद जो थे वो नहीं थी, जिसकी वजह से स्पीकर ने जो है वो अजर्न कर दिया सेशन को। तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहां पर एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स देना इंपॉर्टेंट ना रखता हो, इंपॉर्टेंस ना रखता हो, इंपॉर्टेंट ना हो। तो ये तीन एक्सेप्शंस हैं जहां पर आप स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं दे सकते, जहां पर आप अपने मैसेज को कॉन्क्रीट नहीं बना सकते। आगे चलते हैं। अब दूसरा जो तरीका है, पहले हमने बात की स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स की, तो अब हम बात करते हैं कि भाई एक्शन को जो आपने शो करना है वो वर्ब के थ्रू करना है। जैसे कि आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं हमारे पास, और उनमें जो सबसे पावरफुल है वो वर्ब है। वर्ब से पावरफुल कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, बगैर वर्ब के एडवर्ब एडजेक्टिव कोई भी इतनी पावर नहीं रखता जितना के वर्ब पावर रखता है। तो कॉन्क्रीटनेस जो है बेसिकली पावरफुल होना है, इम्फेटिक होना है, ताकतवर होना है, आपके मैसेज का कॉन्क्रीट होना है। तो जब आपने अपने मैसेज को कॉन्क्रीट बनाना है तो आप याद रखिए कि आपने हमेशा एक्शन को शो करना है वर्ब के थ्रू। तो उसमें सबसे पहली बात, एक्टिव वॉइस को यूज कीजिए, पैसिव वॉइस को आपने यूज नहीं करना। आपके पास पैसिव की एग्जांपल नजर आ रही है, दिस टेस्ट वर एडमिनिस्टर्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन, ये वीक सेंटेंस है, और एक्टिव में आएगा एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्टर्ड दिस टेस्ट, तो ये पावरफुल सेंटेंस है। तो हमेशा याद रखिए, हमने पहले बात की थी कि एक्टिव वॉइस आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए, जब भी आप सेंटेंस बनाएं एक्शन को शो करें एक्टिव वॉइस का जुमला यूज करें। लेकिन याद रखिए एक्सेप्शन यहां पर भी है, जहां पे आप नेगेटिव सिचुएशन की बात करेंगे वहां पर आपने एक्टिव वॉइस की कुर्बानी देनी है, वहां पर आपको पैसिव वॉइस यूज करना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा जहां भी आपकी पॉजिटिव न्यूज है, जहां पर भी आप पॉजिटिव बात करने जा रहे हैं, आप यूज करेंगे एक्टिव वॉइस को। अब हमारे पास नीचे सवाल है, व्हाई एक्टिव वर्ब एंड व्हाई पैसिव वर्ब। हमेशा याद रखिए कि जो एक्टिव वर्ब होता है वो आपका इम्फेटिक होगा, वो ज्यादा पावरफुल होगा, पैसिव वर्ब जो है वो वीक होता है, उसका स्टेटस वीक होता है। इसी तरह जो है एक्टिव वर्ब जो है जब आप यूज करते हैं तो उसके अंदर जो है आपका डूअर जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट आ जाता है। बेसिकली ये एक्टिव वर्ब और पैसिव वर्ब से मुराद यहाँ पे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ही है। तो याद रखिए कि जब एक्टिव वॉइस आप यूज करते हैं तो आपका सब्जेक्ट प्रोमिनेंट होगा, आपका वर्ब पावरफुल होगा, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो वीक होगा। लेकिन जब आप अपने ऑब्जेक्ट को पावरफुल करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप पैसिव वॉइस यूज करेंगे। आप अपने वर्ब को, जब आप अपने ऑब्जेक्ट को पावरफुल करना चाहते हैं, जब आप अपने वर्ब को वीक करना चाहते हैं तो आप पैसिव वॉइस करेंगे, आप अपने वर्ब को तगड़ा बनाना चाहते हैं तो आप एक्टिव वॉइस यूज करेंगे, और इसी तरह जब आप अपने सब्जेक्ट को तगड़ा बनाना चाहते हैं तो आप एक्टिव यूज करेंगे, और जब आप अपने सब्जेक्ट को कमजोर करना चाहते हैं, उसको छुपाना चाहते हैं, तो फिर आप पैसिव वॉइस यूज करेंगे। तो आइए अब आगे चलते हैं कि दूसरा क्या तरीका है, किस तरह से हम एक्शन को वर्ब के थ्रू शो करें। आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं वो नाउन्स से उनको बहुत प्यार होता है, वो नाउन्स की मदद से सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो याद रखिए नाउन भी पावरफुल नहीं है, नाउन भी इम्फेटिक नहीं होता, तो इसलिए डू नॉट शो एक्शन थ्रू नाउन, नाउन के थ्रू एक्शन को शो ना करें। बड़ी अजीब सी बात अपना नजर आती है कि नाउन के थ्रू आप एक्शन को कैसे शो करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, The function of FBR is the collection of texts. अब देखें कितने nouns हैं। Function आपके पास noun, FBR आपके पास noun, collection आपके पास noun,
टेक्स्ट आपके पास नाउन, चार नाउन्स आप ले आए, दो प्रेपोजिशंस, दो आर्टिकल्स और एक बचा बाक में वर्ब, और वो वर्ब भी जो है वो भी क्या है, वो वीक वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। हमेशा याद रखिए, लिंकिंग वर्ब जो स्टेट को शो करता है वो हमेशा वीक होता है, ठीक है। तो अब आपने इस तरह का जुमला नहीं बनाना। अब आप सोचें कि अच्छा भाई क्या करूं, अब मैं ये कैसे मैं इसको ऐसा सेंटेंस बना डालूं कि वो एक्शन उसमें नजर आना शुरू हो जाए। तो आप देखेंगे कि भाई इसमें डूअर ऑफ एक्शन कौन है, तो आप देखेंगे FBR जो है वो कोई काम कर रहा है, तो FBR को सब्जेक्ट की जगह पे ले जाएं। अच्छा भाई काम हो क्या रहा है, कलेक्शन ऑफ टैक्स हो रही है, कलेक्शन हो रही है, ओके, कलेक्शन से नाउन है, कलेक्शन से वर्ब निकालें, कलेक्ट हो गया, FBR क्योंकि सिंगुलर है तो उसके साथ कलेक्ट के साथ एस लगा लें, और क्या वो कर रहा है जमा, तो आप कहेंगे टैक्स। तो इस तरह सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला रूल जहन में रखिए। अगर आपको इसका सेंटेंस आ भी जाता है द फंक्शन ऑफ FBR इज अ कलेक्शन ऑफ टैक्स, तो उसमें देखिए कि भाई काम करने वाला कौन है, किस नाउन से काम करने वाला साबित हो रहा है, नजर आ रहा है, उसको सब्जेक्ट बनाइए। आप देखें काम हो क्या रहा है, कौन सा नाउन काम होने को शो कर रहा है, उसको आप वर्ब बनाइए, और क्या काम हो रहा है, किस चीज के ऊपर काम हो रहा है, किसके ऊपर अफेक्ट आ रहा है, तो उसको आप ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाइए। उसके बाद दूसरी एग्जांपल देखिए, यू हैव टू गिव कमेंट्स ऑन दिस रिपोर्ट। तो अब यहां पर देखें गिव और फिर कमेंट्स, तो आपने कमेंट्स को, आपके पास एक डायरेक्ट वर्ब मौजूद है कमेंट, तो आपको क्या जरूरत है कि गिव कमेंट आप करें, तो डायरेक्ट आप वर्ब यूज करें, ये रिडंडेंसी है, एक ही दो चीजें एक ही बात के लिए यूज हो रही है, तो बेहतर है आप ज्यादा सॉलिड बात करें, यू हैव टू कमेंट ऑन दिस रिपोर्ट, ठीक है। तो इस तरह जो है आप एक्शन थ्रू वर्ब जो है वो शो करेंगे। तो आगे अब जो है एक और सिचुएशन है जहां पर हम एक्शन वर्ब के थ्रू शो कर सकते हैं, क्या नहीं हम करते, हम इंफिनिटिव भी यूज कर लेते हैं, इंफिनिटिव भी वीक फॉर्म है। तो जैसे द ड्यूटी ऑफ द गार्ड इज टू चेक एम्प्लॉईज टेम्परेचर, तो इज टू चेक, फिर आप देखिए वर्ब जो है आपका लिंकिंग हो गया। तो याद रखिए कॉन्क्रीट मैसेज बनाने के लिए एक बात पक्की अपने दिमाग में डाल लीजिए कि लिंकिंग वर्ब आपने कभी भी नहीं लाना। जब अगर आपका सेंटेंस लिंकिंग वर्ब से बन रहा है तो इसका मतलब है, ये बात जहन में डाल लीजिए कि आपका वर्ब जो है वो वीक है, आपका मैसेज जो है वो कॉन्क्रीट नहीं है। तो वही तरीका आप यूज करेंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का। अब यहां पर जो है द ड्यूटी ऑफ द गार्ड को आपने देखा कि जी काम कौन कर रहा है, गार्ड का काम है, गार्ड को आपने सब्जेक्ट बनाया। अच्छा भी क्या काम कर रहा है, वो चेक करता है भाई, तू चेक, तो वहां से चेक आपका आ गया, गार्ड क्योंकि सिंगुलर है तो चेक के साथ एस लगाएं। अच्छा भाई किसको चेक करता है, एम्प्लॉयज के टेम्परेचर को चेक करता है, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। तो इस तरह से द गार्ड चेक्स एम्प्लॉयज टेम्परेचर। तो याद रखिये तीन चीजें, एक्टिव वॉइस यूज करें, पैसिव वॉइस यूज ना करें, इन्फिनिटिव यूज ना करें, नाउन्स के थ्रू एक्शन को शो ना करें, तो आपका मैसेज जो है वो कॉन्क्रीट बनेगा। अब तीसरा जो पॉइंट आता है वो विविड इमेज बिल्डिंग वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स आप यूज करें कि जो कि क्लियर तस्वीर बना दें आपके सामने। उसमें सबसे पहली चीज सेंसरी अपील है, कि आपकी सेंसेस को अपील करे कोई चीज। जैसे आपने देखे द चाइल्ड वॉज सिंगिंग मेलोडियसली, अब ये जो मेलोडियसली का वर्ड है बेसिकली ये एडवर्ब है और ये बता रहा है कि आपका एक्शन कैसे हुआ, आपका एक्शन कैसे हो रहा था, आपके एक्शन की तस्वीर बन रही है कि कैसा गाना गा रहा था, बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाना गा रहा था, तो आपके जहन में आएगा यस उसकी आवाज ऐसी होगी। द वर्कर्स वर स्वेटिंग बैडली, आपने द वर्कर्स वर स्वेटिंग लिखा तो उसमें इमेज नहीं बन रहा, कैसा भाई, दे वर स्वेटिंग बैडली, अब आपके जहन में आएगा कि यार बुरी तरह से पसीने में शराबूर होंगे। तो एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स आप यूज करेंगे अपने सेंटेंस को पावरफुल बनाने के लिए। जैसे ही वॉज ड्राइविंग रैशली, ही वॉज स्पीकिंग फ्लुएंटली, अब ये रैशली फ्लुएंटली ये क्या है, इमेज बिल्ड करें कि आपका एक्शन हुआ तो कैसे हुआ। दूसरे नंबर पर आप अगर बात करें तो कंपेरिजन एंड फिगरेटिव लैंग्वेज की बात आ जाती है। कंपैरिजंस एंड फिगरेटिव लैंग्वेज क्या है कि आप देखें
कंपेयर आप कर सकते हैं। आप देखें, अगर आप लैंग्वेज में देखें तो सिमिलीज एंड मेटाफर्स हम यूज करते हैं, कर सकते हैं, और इसी तरह फिगरेटिव लैंग्वेज में हम इडियम्स भी बन के यूज कर सकते हैं, इडियमैटिक लैंग्वेज हम यूज कर सकते हैं, इडियमैटिक एक्सप्रेशंस यूज कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि ये बहुत जरूरी है कि आप अपने ऑडियंस को जरूर देख लीजिए कि क्या आपका ऑडियंस इस लेवल पर है कि वो ये वर्ड्स समझ सकेगा। तो बड़े ही आपने इसको बड़ी एहतियात के साथ यूज करना है, कंपेरिजन को या फिगरेटिव लैंग्वेज को। अब देखें, ही फॉट द वॉर लाइक अ लॉयन, तो इससे नजर आ रहा है कि अच्छा यार बहुत ही बहादुरी से लड़ा होगा, तो लाइक अ लॉयन जो है वो कंपैरिजन आ गया, ठीक है। इसी तरह द चाइल्ड इज एज टिमिड एज अ फॉक्स, ये सिमिली कहलाती है आपके लैंग्वेज में, लिटरेचर में। तो आपने बताया कि सॉरी, यहां पर एक छोटी सी हमारे साथ गलती हो गई है, और वो ऑब्वियसली जो है वो छोटी सी गलती जो है, यहां पर फॉक्स का वर्ड नहीं होगा, इसको हम रब कर रहे हैं, एज टिमिड एज डव हो सकता है, या डी ओ वी ई, राइट। टू एर इज ह्यूमन, तो इससे आपको नजर आएगा कि यस, गलती सबसे हो सकती है। तो द चाइल्ड इज टिमिड एज अ डव भी कह सकते हैं, या एज अ हेयर भी कह सकते हैं, हेयर मीन खरगोश। तो उसके बाद अगली क्लास, अगली सेंटेंस अगर हम अगला देखें, तो द टीचर इज फीलिंग अंडर द वेदर, तो यहाँ पे अंडर द वेदर, आपने याद है हमने एक ये वर्ड किया था कि यू आर नॉट फीलिंग गुड, तो हम उसको कह सकते हैं फीलिंग अंडर द वेदर, सो शी इज ही इज नॉट टेकिंग द क्लास। तो इसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप देख लें कि यार आप कहाँ पर ये बात कर रहे हैं, लेवल ऑफ एजुकेशन और क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।